उनको प्रकाश मिलाना है, यह अब मचला जा रहा। क्योंकि भैया अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं, इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, मेरे भैया लखन आओ संध्या करे, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। क्योंकि सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया।
होता। मैंने सुना है कि आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, इसलिए भगवान मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ। चाहता यही हूँ कि आप मेरी भी विनय को स्वीकार करेंगे। हे भगवान, दुखियों के तो दुख हर लेता, तीनों की तो पहले सुनता। दुखियों के तो दुख हर लेता, तीनों की तो पहले सुनता। मेरी भी ले ले कवरिया, मेरे भोले कवरिया, कवरिया मेरे सम्मानित श्री लाखन दादी जी, आपके द्वारा ये 21 पुष्प मुद्राएं राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया का तो अविघड़ दानी। मेरी भी ले ले कवरिया, मेरे भोले कवरिया, कवरिया मेरे भोले कवरिया। और आप हैं चंद्रमान भैया जी, ये 21 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद। मां कसम में हो गया।
किस राज्य करा लगाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे भैया तुम भी संध्या करो। उपास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन वेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। क्यों नहीं, संध्या करना तो मानव का यह प्रथम कर्तव्य होता है, यह मानव का धर्म है संध्या करना। जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करते वो तो सूत्र समझे जाते हैं। मानव का शरीर पाकर के यदि व्यक्ति ने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, हरि भजन नहीं किया, तो वह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। क्योंकि यह मानव का शरीर तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि गावा। यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस शरीर को पाने के लिए वह देवता भी ललायित होते हैं कि यह मानव का शरीर हमें प्राप्त हो जाए। क्यों मानव का शरीर व्यक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि मानव का शरीर ही मात्र एक वह साधन है जिससे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाए परलोक समारा। यदि मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति ने परलोक को नहीं संवार पाया तो यह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। क्योंकि आज की स्थिति तो कुछ और है। मानव का शरीर पाकर के व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं अपितु इस समय तो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। समय संध्या का है, गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश हुआ संध्या का। संध्या क्या है, संध्या कहते किसे है, संध्या में किया क्या जाता है, संध्या कितने प्रकार की होती है? गुरुदेव भगवान ने बताया संध्या ना कोई देवी है ना कोई देवता। संध्या तो मात्र एक समय है, दिन और रात्रि के मिलन को हम संध्या कहते हैं। संध्या तीन प्रकार की बताई गई, प्रातः संध्या, शनि छत्राणी, मध्याने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिष्टा संध्या उपास्ते। संध्या में करते क्या है तो बताया अपने इष्ट देव का चिंतन, अपने इष्ट देव का भजन। संध्या यंती संध्यति परब्रह्मस्यामी सा संध्या, तो मेरे इष्ट देव तो मेरे बड़े भैया प्रभु श्री राम ही हैं। मेरे बड़े भैया ने अपने आराध्य देवता भगवान शंकर की वंदना की, उनकी अर्चना उपासना पूजा की, मेरे द्वारा भी मेरे भैया की वंदना, मेरे महाप्रभु मेरा सत्सत नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। नीलाम मुजस्या मलको मलागम, सीता समारोह विदवाम भागम, पाड़व महासार यपचार छापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रभु श्री राम चंद्र की जय। जय हो। और इधर प्रभु श्री रामबेन सरकार सुंदर संध्या वंदन करते हैं, और संध्या करते हुए इधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। चंद्रमा की ओर प्रभु श्री रामबेन सरकार देखते हैं कि चंद्रमा सुंदर तो बहुत है, लेकिन सीता जी के समान, सीता के समान चंद्रमा में वो चीज नहीं है। देखो चंद्रमा का उदय हुआ है। क्या बात है, गली में आज चांद निकला। वाह भैया खुश रहो। प्राची दिशि शशि उयहु सुहावा, सिए मुख सरि से देख सो के पावा, बहुरी बिचारी कीन मन माही, सी बदने समय करनाही। मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे ये कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया मैं ये कैसे कह दूं
कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये जानकी की समता कैसे कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद्र बापरो रंग। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है, ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता, भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मण जानकी के बारे में बताया गया। श्रवण करो, सीता को चंद्र मुखी कहते उपमा भी की पड़ जाती है, इसमें कलंक है में समझो, सीता को मोल रकम समझो और चंद्र को ब्याज समान कहो। शब्दों से सारी रात्रि गर्म रहेगा। आओ चलते हैं। एक बार प्रेम से सभी लोग जलोस करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अभी आप लोगों ने सुंदर प्रभु श्री